हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मनीषा। आज हम होममेड एलोवेरा ऑयल बनाएंगे। अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। एलोवेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स है। उसका हेयर मास्क, हेयर ऑयल और फेस मास्क भी बनाया जाता है। एलोवेरा ऑयल से हेयर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर किए जाते हैं। एलोवेरा को अच्छे से वॉश कर देना है। एलोवेरा के हम पतले पतले पीसेस करेंगे, जिससे उसका सारा जूस ऑयल में मिक्स हो जाए। अब एक पैन में एलोवेरा के पीसेस डालेंगे। गैस को हमें लो मीडियम फ्लेम पे रखना है। एक कप कोकोनट ऑयल ऐड करना है। तीन या चार चम्मच जितना बादाम का तेल ऐड करेंगे। एलोवेरा ऑयल घर पर बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको स्ट्रेस दूर करने के लिए और डैंड्रफ दूर करने के लिए सीक्रेट टिप्स जानी है तो मेरा ये वीडियो आपको पूरा होने तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। 2 से 3 मिनट हमें कवर करना है। ये हेयर ऑयल बनने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। इसे हमें धीमी आंच पर रखना है, जिससे एलोवेरा के सारे पीसेस का जूस ऑयल में मिक्स हो जाए। 20 मिनट में हमें उसे मिक्स करते रहना है। अब ये हमारा एलोवेरा ऑयल बनकर तैयार हो गया है। गैस को अब बंद कर देना है। अब ये हमारा होममेड एलोवेरा ऑयल तैयार हो गया है। ठंडा होने के बाद एक बॉटल में उसे भर दीजिए। मैं ये सीक्रेट टिप्स बताने जा रही हूँ। जब भी आप कोई भी हेयर ऑयल यूज़ करें, उसमें कपूर की गोटी हल्का सा ऑयल गरम करके उसमें डाल दें, जिससे डैंड्रफ और स्ट्रेस दूर हो जाएगा। दोस्तों, आपको मेरा ये होममेड एलोवेरा ऑयल का रेसिपी वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट ज़रूर करना। मेरे वीडियोज़ को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।
आप मेरी वीडियोस को दूसरे सोशल मीडिया में भी देख सकते हो।